नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो रायबरेली में देर रात बंद हुआ ऑक्सीजन प्लांट। केमिकल खत्म होने के कारण ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी केमिकल नहीं मिला। बता दें, प्लांट बंद होने से ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो सकती है। सरकारी अस्पताल और L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता है। तो बता दें, गंगागंज में स्थिति है गजबदन ऑक्सीजन प्लांट। गंगागंज में स्थित है गजबदन ऑक्सीजन प्लांट, जो केमिकल के अभाव में बंद हो गया है। लगातार ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। और इस बीच जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर मरीजों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सांसों की जिंदगी लड़ रहे हैं मरीज, और इस बीच ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिल रहे हैं, वहां कालाबाजारी हो रही। आखिर कैसे मरीजों की मदद की जाए? रोहित मिश्रा रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, बीते कल हमने बात की थी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर, केमिकल खत्म होने की बात कही गई थी मालिक की तरफ से, लेकिन आज केमिकल खत्म हो चुका है, गुहार लगाई गई, कोई मदद नहीं की जा रही। अब कैसे मदद की जाएगी? जो मरीज पहुंचेंगे उनको ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से लगातार ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है, वही रायबरेली में मात्र एक ही ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था। रायबरेली के गंगागंज में गजबदन नाम से ऑक्सीजन प्लांट चल रहा था, उस पे लगातार उसके मालिक जो है 48 घंटे पहले से जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जो उससे केमिकल है वो केमिकल खत्म होने वाला, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से उसका केमिकल खत्म हो गया। वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती थी वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में, जिला अस्पताल में और L2 अस्पताल में ही सप्लाई होती थी। अब वहां पे सप्लाई इसकी रुक जाएगी, ये बड़ी किल्लत की बात सामने आ रही है। वही जिला प्रशासन का आलाधिकारी कोई भी कमरे पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था करने की बात कर रहा है। क्यों रोहित, आखिर ऐसा क्यों, ये बड़ी लापरवाही क्यों, जबकि सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि किसी भी तरीके की कोई हीला हवाली नहीं देखी जाएगी, कोई अगर कमी होती है तो बताया जाए। और फिर जब एक ही प्लांट है, उसके बावजूद भी गुहार लगाई गई, फिर भी केमिकल नहीं भेजा गया, मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से तस्वीरें सामने आ रही, लगातार जो प्लांट का मालिक है वो गुहार जिला प्रशासन से लगा रहा था, लेकिन गुहार उसकी सुनी नहीं गई है। उसने आज फिर जो है भी हम लोगों की मैसेंजर से उससे बात हुई, क्योंकि इतनी डिमांड सीजन की, तो उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर रखा है, लेकिन फेसबुक मैसेंजर से उससे बात हुई। उसने साफ साफ बताया कि लगातार गुहार लगाने के बाद भी उसको केमिकल उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे बीती रात से ही जो है प्लांट उसका बंद चल रहा है। अब काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। वहीं अगर बात की तो रायबरेली में अभी तक L2 हॉस्पिटल चल रहा था, वहीं आप रायबरेली में L3 हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हो रहा है, जो एम्स में खोला जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है रोहित, जहां एक और CM योगी आदित्यनाथ साफ निर्देश दे देते हैं कि प्रशासन कोई भी हिलावाली ना करे, लेकिन ये वही प्रशासन है जो सरकार के जो निर्देश है उनकी अवहेलना करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि ये तस्वीरें जिस हिसाब से सामने आ रही, लगातार ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिल रही थी, उसी के तहत एक अच्छी बात थी कि रायबरेली में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा था, जो लगातार वो सप्लाई कर रहा था। लेकिन अब एक दुर्भाग्य की बात अगर कही जाए, या जिला प्रशासन की अनदेखी की बात कही जाए, कि अब उसके जो केमिकल है वो खत्म हो चुका है, और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर जिला प्रशासन कब उसका ध्यान देगा और कब केमिकल की व्यवस्था करेगा, ताकि सुचारू रूप से रायबरेली में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित। तो केमिकल खत्म होने से ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया है, ऐसे में मरीजों को कैसे बचा जाए, सवाल खड़ा होता है। पंचायत चुनाव को लेकर खबर, तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में मतदान जारी है। बता दें, 20 जिलों की 2,14,000 से ज्यादा सीटों पर मतदान जारी है। तो पोलिंग बूथ पर मतदान को लेकर मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। तो अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज में मतदान है, चंदौली, जालौर, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर में भी मतदान है, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मिर्जापुर में मतदान है, वहीं मेरठ, मुरादाबाद, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान है। तो 20 जिलों में मतदान तीसरे चरण का। बता दें, कुल 4 चरणों में मतदान होने हैं पंचायत चुनाव को लेकर, और तमाम प्रत्याशियों का यहां जो किस्मत का फैसला होना है वो इन मतों के द्वारा होगा। बहरहाल आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए ये मतदान की बात कही गई थी, और अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनमें एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये समय आया है, क्योंकि पहले ही कोरोना की वजह से 6 महीने डिले हुआ
चुनाव और अब जब तारीखों का ऐलान हुआ था तो प्रत्याशियों में तो उत्साह देखा ही गया, साथ ही साथ जनता में भी उत्साह देखा गया कि अब उन्हें अपने मत अधिकार का उपयोग करने को एक सही समय दिया गया है। और ऐसे में अब जब मतदान चल रहा है तो जाहिर सी बात है एक अलग ही तस्वीर उठकर सामने आ रही है। और अब हम आपको मतदान से जुड़ी फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, मुरादाबाद और मेरठ जिले की ये पांच तस्वीरें दिखाते हैं। पांचों तस्वीरों से आपको मतदान की एक अलग तस्वीर झलकेगी, क्योंकि ऐसे में हम आपको बता दें लगातार तीसरे चरण का जब मतदान जारी है तो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इन पांचों तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके के इंतजाम है। तो पांच तस्वीर, पांच जिले और पांच तरीके के उत्साह और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदाताओं की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद, जालौन, मेरठ, हमीरपुर, मुरादाबाद, ये पांच तस्वीरें पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का ये रण दिख रहा है जहां कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की कोशिश की जा रही है और साथ ही मतदाताओं में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। कहीं कहीं आप भीड़ भी देख रहे होंगे तो वो भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। जो चुनाव में देरी हुई है उसको देखते हुए उत्साह और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो वक्त लगा है गांव की गवर्नमेंट चुनने के लिए उस वक्त को लेकर यहां पर जो अब उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल न्यूज वन इंडिया की महा कवरेज आप देख रहे हैं इन पांच तस्वीरों के जरिए, फिरोजाबाद, जालौन, मेरठ, हमीरपुर, मुरादाबाद, ये पांच तस्वीरें देख रहे हैं और अंदाजा लगाइए कि कितना ही उत्साह रहा होगा इन मतदाताओं में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लंबी लंबी कतारें साफ बयां कर रही हैं, क्योंकि कोरोना काल के बीच जब मतदान करने के लिए ये मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, जाहिर सी बात है कितनी अहमियत ये चुनाव इन लोगों के लिए रखता है। तो पंचायत चुनाव पर आप ये महा कवरेज देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की, तीसरे चरण का ये रण है जिसको आप इस वक्त पांच तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। फिलहाल कोविड गाइडलाइन के तहत ही मतदान कराने की बात कही गई थी जिसका पालन यहां पर करवाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपनी कोशिश की जा रही है। आपको लगातार तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, मास्क सैनिटाइजर का खास उपयोग करवाया जा रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना से बचने की जो कवायद है वो अभी भी जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं इन पदों के लिए मतदान, 748 जिला पंचायत सदस्य, 18,530 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 14,379 ग्राम प्रधान, 1,80,473 ग्राम पंचायत सदस्य। तो ये वो पद हैं जिनके लिए मतदान जारी है। और सौरव उपाध्याय बलरामपुर से, सलीम सिद्दीकी कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, अपडेट ले लेते हैं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले हम रुख करेंगे बलरामपुर का। सौरव, अगर हम जानने की कोशिश करें कि तीसरे चरण का जो मतदान जारी है और कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए बोला गया था तो किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी, जैसे कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग हैं। इसका मेन जो मोटिव है वो क्योंकि रोजा है और मुस्लिम समुदाय के लोग या तो वो सुबह आएंगे या तो फिर वो शाम को आएंगे, क्योंकि रोजे में दिन में धूप होने के कारण वो दिन में नहीं आएंगे। सुबह से ही बूथों पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं कराया जा रहा है। सरकार दावा करी थी कोरोना प्रोटोकॉल का कि सारे मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग, और मतदान केंद्रों के बाहर 6-6 फुट की दूरी पर एक गोला बनाया जाएगा जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। लेकिन सुबह से ही न्यूज ऑन इंडिया की टीम अलग अलग बूथों पर गई, मतदान केंद्रों पर गई, लेकिन कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। सौरभ, आपके आसपास की तस्वीरें देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जरा वो तस्वीरें दिखाइए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का मतदान के दौरान उल्लंघन हो रहा है। जी जी, जरूर।
देखिए जो मेरे पीछे लोग हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसके आगे जो वहां पर लोग बैठे हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अगर कोरोना महामारी फिर से फैलती है, विकराल रूप लेती है, तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, और तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद दिखाई दे ही रहे हैं। चलिए बने रहिए सौरभ हमारे साथ, सलीम सिद्दीकी भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सलीम, आपके पीछे जो तस्वीरें, पहले तो वो हमारे दर्शकों को दिखाइए और उनके जरिए बताइए कि मतदान कोविड गाइडलाइन के तहत किस तरीके से चल रहा है। सलीम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, सौरभ के पास एक बार फिर से चलेंगे। सौरभ, ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, बहरहाल हम अगर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की बात करें तो क्या तैयारी है इनकी तरफ से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जब पालन नहीं करवा पा रहे तो आखिर कैसी तैयारियां रही हैं इनकी? जी बिल्कुल, जरूर देखिए कि कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन, बलरामपुर की डीएम श्रुति और बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल बार बार मीटिंग कर रहे थे और वो सारे अधिकारी और कर्मचारियों से ये अपील कर रहे थे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जाए, लेकिन किसी भी बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा रहा। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनसे भी चाहेंगे कि कुछ बात करें कि आखिरकार क्या कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा रहा। जी बिल्कुल, चलिए सौरभ बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंचायत चुनाव के जो तीसरे चरण का मतदान है वो जारी है। फिलहाल तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कतई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई बलरामपुर की और कानपुर देहात की, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस उत्साह के दौरान कोविड गाइडलाइन को भूल गए, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि कोरोना और ज्यादा तेजी से फैले। हालांकि आपको बता दें, देश भर में पिछले कई दिनों से 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पिछले 24 घंटे के अंतराल पर रह रहा है, और ऐसे में तस्वीरें भयावह हो जाएंगी अगर इसी तरीके के नियमों के उल्लंघन होते रहे। और कानपुर देहात से एक बार फिर से सलीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सलीम, आपसे जानेंगे किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई, मतदान चल रहा है, उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, सुबह 7 बजे से कानपुर देहात में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुल मतदाता यहाँ 1,21,796 मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वक्त देखिए मैं खड़ा हुआ हूँ पोलिंग बूथ पर, जहाँ जो है सुबह से ही कतार लग गई है, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या महिलाएं, सभी लोग जो है अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। खास बात ये कि महामारी का दौर चल रहा है, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो महामारी के दौर में हो रहा है। इस लिहाज से जो है प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की, लगातार प्रयासरत है कि लोगों को अवेयर कर रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग जो है खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अगर नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो पानी से बार बार हाथ धोएं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है, लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से सदे खड़े हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सलीम तमाम अपडेट्स के। तो लगातार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मुरादाबाद से खबर, मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी हैं। बता दें मतदान केंद्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। बता दें बिना मास्क लगाए ही मतदाता यहाँ नजर आए हैं। डिलारी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है, ये तस्वीरें देखिए जरा, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। आखिर कैसे कोरोना से बचाया जाए, कोशिश की जा रही है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़ा किया जाए, लेकिन फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए भीड़ देख रहे हैं आप, और ये भीड़ देखकर अंदाजा भी लगाइए कि इस कोरोना काल में जहां एक और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मतदान के दौरान जब ये तस्वीरें सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इंतजाम है प्रशासन की तरफ से और क्या जागरूकता है यहाँ की जनता की।
मुरादाबाद से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आप तक, मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की कैसे धज्जियां उड़ी हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पोलिंग बूथ पर ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप मतदान की कुछ अलग तस्वीरें भी देख सकें। मतदान तो हो रहा है और भारी उत्साह के साथ हो रहा है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही वो भी आप साफ देख सकते हैं। हालांकि समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही इनको यहाँ लाइन में खड़ा किया जाए, लेकिन नियम इनके लिए शायद मायने नहीं रखते। बहरहाल मुरादाबाद की ये खबर आप तक पहुंचा रहे, बिना मास्क के ही पहुंचे मतदाता, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं। और हमीरपुर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। यहां सुबह 7 बजे से ही वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदान प्रक्रिया जारी हो चुकी है। आज हम खड़े हैं हमीरपुर जिले के सीतलपुर गांव में, जो ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है पनौटा के, जो पोलिंग बूथ यहाँ पर जो बनाए गए, यहाँ वोटिंग हो रही है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं और यहाँ सुरक्षा कर्मी भी देख सकते हैं, और ये वोट डाल करके लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी समय जो हुआ है वो 7:30 के आसपास हुआ है, और यहाँ पर एक दो गांव के जो लोग हैं मतदान कर्मी यहाँ पर जो एक तरीके से नियुक्त किए चुके कर चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी लगाए जा चुके हैं, और यहाँ जो कोविड के नियम हैं उनको देखते हुए यहाँ घेरे भी बनाए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ अभी पूरी तरीके से समय जो 7:30 हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, और अभी भी लोग आने के लिए तैयार हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी सुबह, चूँकि सुबह 7:30 बजा हुआ है, इस वजह से लोग अभी आने के तैयार हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालना, अपने मतदान, अपने जो मतदान है वो करने आ रहे हैं। देख सकते हैं कर्मी किस तरीके से यहाँ चेकिंग कर रहे हैं और मास्क लगाए हुए हैं, कोविड का नियम का पूरी पूर्णतः पालन कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दादा कहाँ से आए आप, क्या करने आए? वोट डाल रहे हैं। देखिए जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर वोट डालने आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कोविड के नियमों का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। और देख सकते हैं हमीरपुर से अभिषेक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदान प्रक्रिया जारी हो चुकी है। आज हम खड़े हैं हमीरपुर जिले के सीतलपुर गाँव में, जो एक विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय है पनौटा के, जो पोलिंग बूथ यहाँ पर जो बनाए गए, यहाँ वोटिंग हो रही है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, और यहाँ सुरक्षा कर्मी भी देख सकते हैं, और ये वोट डाल करके लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी समय जो हुआ है वो 7:30 के आसपास हुआ है, और यहाँ पर एक दो गांव के जो लोग हैं मतदान कर्मी यहाँ पर जो एक तरीके से नियुक्त किए कर चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी लगाए जा चुके हैं, और यहाँ जो कोविड के नियम हैं उनको देखते हुए यहाँ घेरे भी बनाए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ अभी पूरी तरीके से समय जो 7:30 हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, और अभी भी लोग आने के लिए तैयार हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी सुबह, चूँकि सुबह 7:30 बजा हुआ है, इस वजह से लोग अभी आने के तैयार हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालना, अपने मतदान, अपने जो मतदान है वो करने आ रहे हैं। देख सकते हैं कर्मी किस तरीके से यहाँ चेकिंग कर रहे हैं और मास्क लगाए हुए हैं, कोविड का नियम का पूरी पूर्णतः पालन कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दादा कहाँ से आए आप, क्या करने आए? वोट डाल रहे हैं। देखिए जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर वोट डालने आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कोविड के नियमों का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है, और देख सकते हैं हमीरपुर से अभिषेक कुमार। और वहीं मेरठ में भी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए मेरठ के अंदर इस समय चुनाव तीसरे चरण का चालू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बहुत जो वोटर है उनके अंदर कितने उत्सुकता है, उसी को लेकर के यहाँ एक दो से बात भी करेंगे, किस चीज को लेकर के, किसके नाम पर वोट देने आए हैं आप, क्या मुद्दा है आपका वोट देने का।
देखिए यहाँ पर युवा है वो बता नहीं पा रहे हैं किस मुद्दे पर वोट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे प्रत्याशी का नाम नहीं पूछ रहे, विकास के लिए कुछ करने के। पोलिंग हो रहा है और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलता है कि भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का पोलिंग होना है। गाँव का बताया जा रहा है स्थिति ये है कि लगभग 4,4100 वोट है यहाँ पर, और लगभग जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 बूथ बनाए गए, तो भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ पहुंच रही है। लगातार एजेंट है वो प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की स्थिति को मैं दिखाना चाहूंगा कि लगातार पुलिस प्रशासन भी देख रहा है, यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ लग चुकी है, क्योंकि लगातार जो मतदान करने के लिए जो वोटर है बहुत ही उत्सुक है, कहीं ना कहीं अपनी 5 साल को सुरक्षित करने के लिए वोट डालने के लिए आए हैं। अब ये 2 तारीख को ही निर्णय होगा कि किसका भाग खुलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोग अपनी वोट डालते समय ये सोचते हैं कि कौन विकास करवा पाएगा, उसी को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जिस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए। आप जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, किस मुद्दे पर वोट डालने आए, क्योंकि आपका गांव है ये और यहां आप वोट डालने के लिए खड़े हैं, साथ साथ आप जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं। देखिए आप जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद भी प्रधानी की वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैसा प्रधान चाहते हैं आप अपने यहाँ पर? अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो कितना विकास करवाएंगे, क्या विकास आपकी निगाह में? जैसे हमारे गाँव में बिजली की समस्या होती रहती है और पानी की समस्या है बहुत, और आप ऐसे में जाकर के देखिए जल वहाँ को भरा रहता है, वो लोग परेशान होते हैं, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है बारिश में चलते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदान शुरू हो चुका है उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जो लोग हैं यहाँ पर सबका मानना है कि कहीं ना कहीं विकास के नाम पर यह चुनाव हो रहा है और विकास के नाम पर ही यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। और भी यहाँ लोग इनसे बात करेंगे किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि स्थिति यह है कि जो लोग वोट डालने के लिए आते हैं उन्हें वास्तव में स्थिति का पता नहीं होता है कि स्थिति क्या है, लेकिन यहाँ पर मतदान करने के लिए आते हैं। गांव के लोग इस चीज से रूबरू नहीं हो पाते हैं कि किस मुद्दे पर वो अपना चुनाव चाहते हैं, अपनी वोट देना चाहते हैं, लेकिन स्थिति फिर भी अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो जोर शोर के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी यहाँ पर कराने के लिए एजेंट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया मेरठ। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।